हेलो दोस्तों घटना चक्र आधुनिक भारत की पूर्वलोकन में आप लोगों का स्वागत है आइए देखते हैं ये आठवां पार्ट है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आई एस पी सी से पूछे जा चुके हैं ये पूर्वलोकन में सभी क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी हाल में जो सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश आर ओ आर ओ का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में संभावित है तो उस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आइए देखते हैं वन बाई वन इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा बंगाल गजट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें बताना है कि सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी तो पहले है लॉर्ड बिलजली दूसरे है Hastings, है Adams, हैं लॉर्ड हेस्टिंग तीसरे हैं जॉन एडम्स और चौथे हैं डलहौजी तो इसमें है लॉर्ड बिलजली लॉर्ड बिलजिली ने सर्वप्रथम जो है सेंसरशिप लागू की थी बहुत इंपॉर्टेंट है आइए अगले देखते हैं वर्ना प्रेस एक्ट कब आया था ये अट्ठारह सौ अठहत्तर में ईयर भी पूछ लिया जाता है कि, कि वर्ना प्रेस एक्ट कब आया था अट्ठारह सौ अठहत्तर में वर्ना प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था यह अठारह सौ अठहत्तर में आया था वर्नाकुलर प्रेस प्रेस एक्ट का प्रवर्तन मतलब इसको पुनः कौन लागू किया था तो ये लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड लिटन ने पुनः इसको लागू किया था आइए अगले देखते हैं वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया था कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया था ये लॉर्ड रिपन लाड रिपन ने जो भारतीय भाषा अधिनियम को समाप्त किया था इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं अगला है पत्रकार का वह कौन सा भारतीय था जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारती थे तो ये कौन थे बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे याद करिए याद रखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आइए अगला देखते हैं अगला है फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने शुरू किया था तो ये तारकनाथ दास ने और कहाँ पे शुरू किया था अमेरिका में ये भी याद रखिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी तारकनाथ दास ने आइए अगला देखते हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है। मरातुल अखबार मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित कौन प्रकाशित किया करते थे तो राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार कौन प्रकाशित किया करते थे राजा राम मोहन राय और इसमें दूसरा क्या याद रखना है ये तो पहला हो गया कि इसको राजा राम मोहन राय प्रकाशित इसमें दूसरा यह याद रखना है कि ये साप्ताहिक थी या मंथली पत्रिका थी तो ये थी ये अखबार जो है साप्ताहिक था दूसरी चीज और ये किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था ये फारसी भाषा में तीन चीज़ें मिरातुल अखबार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाशन कौन करता था राजा राम मोहन राय ये साप्ताहिक या मंथली थी ये साप्ताहिक थी और किस भाषा में फारसी भाषा में आइए अगला देखते हैं अट्ठारह के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था तो ये कलकत्ता से कहाँ से होता था 1880 सौ के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था कलकत्ता से होता था आइए अगला देखते हैं गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ किस भाषा में गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ तो उर्दू भाषा में प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था और अगला है इसमें अगला देखिए अगला है गदर पार्टी का पत्र गदर था यह साप्ताहिक था कि ये मंथली था तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थे साप्ताहिक पत्र था जो है गदर पत्र जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था इसका प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था ये साप्ताहिक था तो याद रखिए जो है ये से पूछा जा सकता है साप्ताहिक था या पाक्षिक था या मंथली था तो ये जो गदर पत्र था ये था साप्ताहिक पत्र अब आग आइए आगे देखते हैं अगला है अमृत बाजार पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी बहुत इंपॉर्टेंट है शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना या प्रकाशन किसने किया था शिशिर कुमार घोष ने आइए अगला देखते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था लोकमान्य बाल भंगर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के लिए कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था तो केसरी केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के लिए ये बाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आइए अगला देखते हैं अगला है क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं का लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कांडों से कांग्रेस की आलोचना करती थी तो ये तीन पत्रिकाएं तो बहुत महत्वपूर्ण इनको जरूर याद रखिए क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कई कारणों से जो कांग्रेस की आलोचना करती थी तो ये तीन पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं पहली इसमें है बंगवासी जो कांग्रेस की आलोचना करती थी दूसरी है काल और तीसरी है केसरी जो बाल गंगाधर तिलक प्रकाशित किए करते थे तो क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी तो पहले कौन सी बंगवासी दूसरी है काल और तीसरी है केसरी ये तीन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आइए आगे, आगे देखते हैं अगला है वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की तो कौन कौन से समाचार पत्र थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करते थे तो इसमें ये भी है तीन इसमें है, तो ये है पहला संध्या दूसरा है युगांतर और तीसरा है काल इसमें कौन कौन से समाचार पत्र हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी तो ये है संध्या युगान्तर और काल याद रखिए आइए आगे देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था चंद्र विद्यासागर ने बहुत इंपॉर्टेंट है आइए अगला देखते हैं इसमें बताना है इन चारों में बताना है कि जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन सी पत्रिका ऐसी थी जो उदा, उदार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक थी तो देखिए इसमें न्यू इंडिया है लीडर है यंग इंडिया है फ्री प्रेस जनरल तो इन चारों में से ऐसा कौन सा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो लीडर लीडर जो है लीडर जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था आइए अगला देखते हैं लीडर पत्रिका जो है अखबार प्रकाशित होता था ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था आइए अगला देखते हैं अगला है द इंडियन ओपिनियन द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छ किस भाषा में नहीं छपता था तो उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छपता था तो ये उर्दू भाषा में ऐसे पूछा गया था कि मतलब द इंडियन ओपिनियन में चार ऑप्शन दिए गए थे तो ये किस भाषा में नहीं छपता था तो उर्दू भाषा में आइए अगला देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी संपादक प्रथम संपादक कौन थे इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे मनसुख लाल नजर मनसुख लाल नजर जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे याद रखिएगा आइए अगला देखते हैं यंग इंडिया का शुभारंभ यंग इंडिया का शुभारंभ किस पार्टी द्वारा किया जाता है होम रूल होम रूल पार्टी द्वारा जो है यंग इंडिया का शुभारंभ किया जाता था और यही पूछा जाता है यंग इंडिया कैसी पत्रिका थी यह साप्ताहिक पत्रिका थी तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था किस पार्टी ने होम रूल पार्टी ने और दो होम रूल पार्टी से दो लोग जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक इनिवेशन का नाम भी याद रखिएगा आइए अगला देखते हैं भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था तो ये हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार स्मा... पत्र कौन सा था हिंदू पैट्रियाट आइए अगला देखते हैं अब इसमें है कि हिंदू पैट्रियाट हिंदू पैट्रियाट के, के संपादक कौन थे तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी देखिए नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट जो अंग्रेजी में प्रकाशित पहला प्रथम समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कौन करते थे हरीश्चंद मुखर्जी नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे हरिश्चंद्र मुखर्जी आइए अगला देखते हैं अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम वंदे मातरम के साथ अपने को किसने संबद्ध किया था तो ये थे अरविंद घोष अरविंद घोष अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम ये भी याद रखिएगा कि वंदे मातरम जो है अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका थी इस इस पत्रिका से संबंधित आप किसको किसने अपने आप को संबंधित किया था तो ये अरविंद घोष ने लैंग्वेज वही है लैंग्वेज क्वेश्चन की पूछने का तरीका बस केवल अलग है आइए अगला देखते हैं इसमें से कौन सा पत्र अखबार था जिसका प्रकाशन पटना से होता था तो इन चारों में देखते हैं इसमें जो है इंडियन नेशन पंजाब केसरी प्रभाकर और डान में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था तो इंडियन नेशन इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है पटना से होता था बिहार की राजधानी पटना आइए अगला देखते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे स्वदेश वाहिनी के कई बार पूछा जा चुका है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे के रामकृष्ण पिल्लई आइए अगला देखते हैं अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से कौन जुड़े थे तो मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से कौन जुड़ा हुआ था ये थे मोतीलाल नेहरू अब आइए देखते हैं इसमें समाचार पत्र हैं किस भाषा में थे इनको देखते हैं आइए वन बाई वन देखते हैं अच्छा भारत मित्र समाचार का प्रकाशन किस में होता था हिंदी में भारत मित्र समाचार का प्रकाशन किस में होता था हिंदी में राष्ट्रमत समाचार पत्र का प्रकाशन किस में होता था मराठी में और प्रजा मित्र का प्रकाशन किस में होता था गुजराती में और नायक का प्रकाशन किसमें होता था बंगाली में नायक का प्रकाशन किसने होता था बंगाली से अब इसमें ये देखना है कौन किससे संबद्ध था तो दैनिक आज समाचार से संबद्ध कौन थे शिव प्रसाद गुप्ता ये भी मिलाने के लिए आया था और द लीडर से कौन संबद्ध था मदन मोहन मालवी और द हेराल्ड से कौन संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू आइए फिर से देखते हैं पहले कुछ पत्रिकाएं हैं किस भाषा में हैं फिर इसमें कुछ लोगों के नाम हैं ये किससे संबद्ध है देखिए भारत मित्र भारत मित्र किस भाषा में प्रकाशित होती थी हिंदी भाषा में राष्ट्रमत किस भाषा में प्रकाशित होती थी मराठी में इसको लिख के याद कर लीजिए और प्रज, प्रजा मित्र मित्र किसमें प्रकाशित होती थी गुजराती में नायक किस में प्रकाशित होती थी बंगाली में दैनिक आज आज से कौन संबद्ध था ये प्रसाद गुप्त द लीडर से कौन संबंध था ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है ये मदन मोहन मालवी और द नेशनल हेराल्ड किसे संबंधित था जवाहरलाल नेहरू से किसे संबंधित था जवाहरलाल नेहरू से और इसमें है द पाइनियर द पाइनियर किसे संबंधित है जॉर्ज एलन से द नेशनल हेराल्ड किसे संबंधित जवाहरलाल नेहरू से द न पाइनियर भी कई बार पूछा जा चुका है तो जॉर्ज एलन आइए आगे देखते हैं इसमें देखिए कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय रहा तो कानपुर से कौन सा समाचार प्रका प्रकाशित होता था जो विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन के समूचे भारत में प्रचार के लिए प्रकाशित किया था तो ये प्रताप पत्रिका थी विजय सिंह बिचौलिया ने विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय रहने का क्या कारण था ये था प्रताप पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी, थी प्रताप पत्रिका इसको देख लीजिए आइए आगे देखते हैं हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे तो ये थे महात्मा गांधी हरिजन पत्र के जो है प्रारंभकर्ता कौन थे महात्मा गांधी आइए आगे, आगे देखते हैं आइए अगला देखते हैं गांधी जी द्वारा प्रकाशित गांधी जी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम संस्करण 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित हुआ था तो पूना जो वर्तमान पुणे है पुणे से प्रकाशित हुआ था गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन कैसा था कई बार पूछा जा चुका है ये साप्ताहिक पत्र है देखिए बहुत से मैगजीन बहुत से अखबार ऐसे हैं जिनका ये पूछा जाता है कि ये साप्ताहिक है मंथली है तो हरिजन क्या था साप्ताहिक था इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 11 फरवरी 1933 को ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था पुणे से जो वर्तमान पुणे है आइए अगला देखते हैं मराठी पाक्षिक्या मतलब पंद्रह दिन में प्रकाशित होती थी बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिका मतलब पंद्रह दिन में प्रकाशित होती थी जैसे हरिजन जो है सात दिन में प्रकाशित होती थी तो मराठी पाक्षिका जो है पंद्रह दिन में बहिष्कृत भारत किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा आइए अगला देखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगला इसमें ये बताना है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती थी तो ये देखते हैं पहले अल हिलाल है दूसरा कामरेड है तीसरा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है और चौथा है ज़मींदार तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सा प्रकाशित की जाती है अल हिलाल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की जाती थी आइए अगला देखते हैं अगला देखते हैं वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा किस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था तो ये वंदे मातरम को 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन से उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन होता था तो ये वंदे मातरम आइए अगला देखते हैं अब इसमें ये बताना है समाचार पत्र है उसके संपादक तो आइए देखते हैं वन बाय वन समाचार पत्र और उनके संपादक एक साथ कई सारे हैं देखिए हिंदू समाचार पत्र का संपादन कौन करते थे जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू समाचार पत्र का संपादन जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक बहुत बार पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट सुधारक समाचार पत्र का संपादन कौन गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले जो है सुधारक का प्रकाशन किया करते थे इसके संपादक थे वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नेहरू जी और बंगाली के संपादक कौन थे एस एन बनर्जी बंगाली के संपादक कौन थे एस एन बनर्जी और बॉम्बे बा, क्रॉनिकल ये तो याद हो सबका फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे फिरोज शाह मेहता अगला है कॉमन कौन था इनिवेशन कॉमन हिल के संपादक एनिवेशन लीडर के संपादक कौन थे मदन मोहन मालवी लीडर के संपादक कौन थे मदन मोहन मालवी और सर्चलाइट के संपादन कौन थे सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट के संपादन कौन करते थे सच्चिदानंद सिन्हा फिर से देखते हैं एक बार हिंदू समाचार पत्र का संपादन कौन करते थे जी सुब्रमण्यम अय्यर याद रखिए सुधारक का संपा संपादन कौन करते थे जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन कौन करता था दादा भाई नेहरू जी और बंगाली का संपादन कौन करता था एस एन बनर्जी और बॉम्बे क्रानिकल का संपादन कौन करते थे फिरोज शाह मेहता कॉमन हिल का संपादन कौन करता था एनी बेसेंट लीडर का संपादन कौन था लीडर का लीडर समाचार पत्र का संपादन मदन मोहन मालवी और सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादन कौन थे सच्चिदानंद सिन्हा आइए आगे देखते हैं सर्चलाइट का कौन संपादन करते थे सच्चिदानंद सिन्हा अगला देखते हैं इंडिपेंडेंट का समाचार पत्र का संपादन कौन करते थे मोतीलाल नेहरू जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है टीएम नायर जस्टिस का संपादन करते करते? कौन करते थे नायर फिर देखिए सर्च लाइट कौन करते सचिद सिन्हा इंडिपेंडेंट कौन करता था मोतीलाल नेहरू और जस्टिस कौन करते थे टीएम नायर आइए अगला देखते हैं अब इसमें संपादन कौन करते थे किस पत्रिका देखते हैं देखिए अबुल कलाम आजाद जो है किसका संपादन अल हिलाल का करते थे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जा चुका है फिरोज शाह मेहता किसका संपादन करते थे बॉम्बे क्रानिकल का न्यू इंडिया का संपादन कौन करता था बेसेंट न्यू इंडिया का संपादन कौन करता था बेसेंट यंग इंडिया का संपादन कौन करता था महात्मा गांधी और केसरी का संपादन कौन करते थे लोकमान तिलक केसरी का संपादन कौन करते थे लोकमान्य तिलक फिर से देखते हैं अल अलहिलाल का संपादन कौन करते थे अबुल कलाम आज़ाद बॉम्बे क्रामकिल का संपादन कौन करते थे फिरोज शाह मेहता न्यू इंडिया का संपादन कौन करते थे बेसेंट देखिए न्यू इंडिया यंग इंडिया में कन्फ्यूज नहीं होना है यंग इंडिया महात्मा गांधी करते थे न्यू इंडिया बेसेंट करती थी और लोकमाल तिलक कौन सी करते थे केसरी आइए अगले देखते हैं कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज का आरंभ किया था अब आइए देखते हैं इसमें कुछ पत्रिकाएं हैं और कौन इसका संपादन करते थे देखते हैं देखिए नवजीवन का संपादन कौन करते थे एम के मुंशी महात्मा गांधी करते थे नवजीवन का स्वराज्य का कौन करते थे टी प्रकाशन टी प्रकाशन जो है स्वराज्य समाचार पत्र का संपादन करते थे प्रभात पत्रिका का संपादन कौन करते थे तो ये कहते थे एनसी केलकर प्रभात का संपादन एनसी सी केलर कौमी आवाज़ का संपादन कौन करते थे ये थे जवाहरलाल नेहरू फिर से देखते हैं इसको नवजीवन का संपादन कौन करते थे एम के गांधी स्वराज जी का संपादन टी प्रकाशम प्रभात का संपादन एन सी केलकर और कौमी आवाज़ का संपादन कौन करते थे जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रीवियसली प्रीवियसली जो है एग्जाम में कई बार ऐसी एस, सेम एजिटि पूछा जा चुका है तो इसको एजिटिज ही याद रखिए दो तीन बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये याद हो जाएगा आइए अगला देखते हैं महात्मा गांधी किसका संपादन किया करते थे यंग इंडिया का और एनिवेशन किसका संपादन करते थे न्यू इंडिया का दोनों कन्फ्यूज नहीं होना है इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है महात्मा गांधी यंग इंडिया और न्यू इंडिया का एनिवेशन बाल गंगाधर किसका करते थे केसरी का एनिवेशन की दूसरी पत्रिका कौन सी है जो इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे कॉमनवेल बी आर अम्बेडकर का संपादन मूक नायक का मूक नायक का और दादा भाई नेहरोजू रास्त गुप्तार रास्त गुप्तार जो है रास्त गुप्तार दादा भाई नेहरूजी करते एक बार फिर से देखते हैं इसको महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादन करते थे बाल गंगाधर तिलक केसरी का संपादन करते थे एनिवेशन कॉमन ही का संपादन करती थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूक नायक का संपादक करते थे एनिवेशन जो है एनिवेशन न्यू इंडिया के संपादन करते थे करती थी और दादा भाई नेहरू जी रास्त गुप्ता रास्त गुप्ता अब आइए आगे, आगे देखते हैं देखिए एनी बेसिन द्वारा निकाले जाने वाले दो दो अखबार कौन कौन से थे एक कॉमन वेल्थ थी और एक न्यू इंडिया आइए अगला देखते हैं इसमें देखिए मिलाने का है बिपिन चंद्र पाल बिपिन चंद्र किसका संपादन करते थे न्यू इंडिया अगर ऑप्शन में होता है एनी बेसिन तो एनी बेसिन के लिए हम लगाएंगे ऑप्शन में इनिबेश कोई ये इनका पूरा नाम बिपिन चंद्र पाल ने द न्यू इंडिया के नाम से निकाला था द न्यू इंडिया के नाम से थोड़ा डिफरेंस था लेकिन ऑप्शन जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे द न्यू इंडिया वहाँ पे न्यू इंडिया ही था लेकिन वहाँ एनी बसेंट का नामीबेश इन ऑप्शन में नहीं थी तो इसलिए बिपिन चंद्र जो है न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल द न्यू इंडिया है और इसके बाद अरविंद घोष बंदे मातरम ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जो है ये संध्या और उसके बाद मोहम्मद अली कॉमरेड तो फिर से देखते हैं देखना किस किस अखबार का कौन कौन प्रकाशन करते थे तो बिपिन चंद्रपाल किस अखबार का प्रकाशन न्यू इंडिया न्यू इंडिया अरविंद घोष किसका प्रकाशन करते थे बंदे मातरम का ब्रह्मा बांधव उपाध्याय किसका संपादन संध्या का करते थे मोहम्मद अली किसका संपादन करते? करते थे कॉमरेड का संपादन करते थे आइए आगे देखते हैं इसमें देखिए इसमें है एस ए डांगे किसका द सोशलिस्ट का संपादन करते थे मुजफ्फ़र अहमद किसका संपादन करते थे नयुग का करते थे और गुलाम हुसैन किसका संपादन करते थे इनकलाब का और इसमें थे एम सिंगर बेलू एम सिंगर बेलू जो करते थे ये करते थे लेबर किसान गज़ट का देखिए एम सिंगर बेलू किसका करते थे लेबर किसान गजट का तो फिर से देखते हैं पहले एस ए डांगे किसका संपादन करते थे द सोशलिस्ट का करते थे मुजफ्फर अहमद किसका संपादन करते थे नयूब का करते थे गुलाम हुसैन किसका संपादन करते थे इनकलाब का करते थे और एम सिंगर बेलू किसका करते थे लेबर किसान गज़ट का किसका लेबर किसान गजट का इसको याद रखिए लेबर किसान किसान गज़ट का ये वीडियो यहीं बस यहीं तक था अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स में निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है घटना चक्र प्रवलोकन यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या कोई दिक्कत महसूस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उन तक ये पहुँचिए और उन लोगों का फायदा हो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन आप वीडियो जो है वॉच करिए और वॉच करने के बाद अपना मोटिव जो भी है एग्जाम क्लियर करने का उसको फुलफिल करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करिए और कमेंट करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग